पार्टी को छोड़ के एक नई पार्टी में आप शामिल हैं? हमने 18 तारीख को ही हम पोस्ट कर दिया थोड़ा सा, जो पार्टी का जो स्थिति है, जो हम लोग बड़ा खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया, और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक अतिक्रम हुआ इस पार्टी के अंदर, हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहाँ पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहाँ से निकला, अकेला निकला, हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीति छोड़ दूंगा, कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे, कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीतिक फिर से करूंगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्य ग्रहण करेंगे, और वहां से झारखंड के लिए जो लड़ाई हम पहले जैसे लड़ाई लड़े थे, हम जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आदिवासी का अस्तित्व का जो संकट पैदा हुआ, हम देखा कि दूसरा दल से हम इस बात को नहीं रख सकते, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हम चुना, और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास एवं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास में रहा कि झारखंड को विकास भी करना है, यहाँ का आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, मूलवासी के अस्तित्व को बचाना है, झारखंड को ये बड़ा धनी प्रदेश है, उस प्रदेश को हमने अच्छा से संवारेंगे, ये मेरा मन में आया बड़ा चिंतन मंथन करने के बाद, इसलिए आज हम पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण करने जा रहा हूँ। दादा रामदास सोरेन आपके साथ ही भी रहे हैं, आज 12वें मंत्री के रूप में राजभवन में शपथ ली हैं, क्या कुल्हान में आपके मतलब भरपाई कर पाएंगे जो जेमे में आप? हमने पहले कहा कि हम उस संगठन को बनाए, उस संगठन के किसी को हम नहीं लेंगे, हम अकेला निकले हैं हम, इसीलिए उसे कोई टिप्पण टिप्पणी नहीं करेंगे। एक और सवाल दादा, लोबिन दा आपके साथ में थे कहीं ना कहीं जब आपसे मिले भी थे, आज के बाद से फिर आप लोग देखते रहिए ना, आज ये सब कुछ क्लियर नहीं होगा, अभी देखते रहिए। नहीं, उन्होंने कहा था कि आपके साथ में वो भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहे अभी हमको नहीं पता है, लेकिन आप लोग देखते रहिए आपके पास। मतलब आप मानते हैं कि लोबिन दा बीजेपी में आ सकते हैं? नहीं, आप देखते रहिए, हम उसको कैसे बोलेंगे, आप लोग जो हमारा अभी सोचिए हम आप लोग को बता दिया आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी या पार्टी। भाई हम दल के अंदर जाने के बाद दल का कुछ रणनीति है और दो भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण करें, हमको फिर किस तरह का काम देंगे, किस क्षेत्र में काम देंगे, प्रदेश में काम देंगे कि किस क्षेत्र में काम देंगे, उसी अनुसार न काम करेंगे हम। एक और सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आपने फेसबुक में लिखा था, ट्विटर में भी लिखा था, वही में ये समस्या हमने ज्वलंत मुद्दा तो वही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी, उसको कैसे रुकना है, जो आदिवासी का अस्तित्व तो खतरा में आ गया है, दूसरा पार्टी से ये बात को हम नहीं उठा सकते हैं, हमने समझा इस दल में से ही हम उस बात को उठा सकते हैं और आदिवासी को हम बचा सकेंगे।